हेलो नमस्कार राधे राधे। मैं प्रॉपर दिल्ली की नहीं हूँ, मैं हूँ मध्य प्रदेश भोपाल से। तो यहाँ पे मैं अपने कज़र के घर में आई हुई हूँ। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है। तो मैंने उसके ऊपर लिखा था कि हर एक बात जो दिल में है, हर एक बात जो दिल में है उसे लफ्ज़ों से बयां करना ज़रूरी है क्या। बेइंतहा ना सही इश्क मैंने भी किया है कि जनाब बेइंतहा ना सही इश्क मैंने भी किया है, इश्क का इजहार किया जाए ज़रूरी है क्या। और हसरतें तो दिल की बहुत सी है कि हसरतें तो दिल की बहुत सी है, सारी हसरतें पूरी हो जाए ज़रूरी है क्या। और तुम उसके बगैर रह नहीं सकते मेरे दोस्त, तुम उसके बगैर रह नहीं सकते, ये बात उसे बताना ज़रूरी है क्या। और आंसू आते हैं तो खुलकर रो लिया करो ना, क्योंकि कुछ टाइम होते ना लोग स्माइल स्माइल करते लोगों के सामने, रोते नहीं है। तुम आंसू आते हैं तो खुलकर रो लिया करो ना, हर बात पे हंसना ज़रूरी है क्या। और शुक्रिया शुक्रिया। और ये भी होता है कि हाँ समटाइम ऐसा फील होता है कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर लिखा था कि अकेले भी सफ़र तय कर सकते हो, कि मेरे काबिल दोस्त तुम अकेले भी सफ़र तय कर सकते हो, हर सफ़र में हम सफ़र साथ हो ज़रूरी है क्या। और मोहब्बत तो हर कोई करता है कि जनाब मोहब्बत तो हर कोई करता है, मोहब्बत में झूठे वादे करना ज़रूरी है क्या। और रात भर जागते हो उसकी याद में, कुछ लोग होते हैं ना कॉल पर बात करते रात भर जाग कर, तो रात भर जागते उसकी याद में, बताओ यूँ रातों में जागना ज़रूरी है क्या। और बेवजह जो तुमसे रूठ जाता है, कि बेवजह जो तुमसे रूठ जाता है तो हर बार तुम ही उसे मनाओ ज़रूरी है क्या। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और ये लिखा था मैंने, एक लड़का जब मोहब्बत में होता है फिर उसे धोखा मिलता है, ठीक है। तो उस पर लिखा था मैंने कि अच्छा सुनो ना, ये जो मोहब्बत की बीमारी हुई है मुझे, तुम कोई इसका इलाज बता दो, इलाज नहीं जानते तो मैखाने का पता बता दो। और घर से लड़कर आएंगे तुमसे मिलने, लड़का बोलता है लड़की से कि घर से लड़कर आएंगे तुमसे मिलने, बस खाली तुम वक्त बता दो। और ये जो गहरे गहरे जख्म दिए हो तुमने मुझे की सनम, ये जो गहरे गहरे जख्म दिए हो तुमने मुझे, अब तुम कोई इसका मरहम बता दो। और तुम्हारे जिस्म से आ रही किसी और की महक, कि तुम्हारे जिस्म से आ रही किसी और की महक, अब तुम कोई इसका नया किस्सा बता दो। और लड़कियाँ बोलती ना अक्सर कि सुनो मम्मी का कॉल आ रहा है, फिर वो अपने सेकेंड बॉयफ्रेंड से बात करता। तो उस पर लिखा था कि सुनो मम्मी का कॉल आ रहा है, कि सुनो मम्मी का कॉल आ रहा है, अब ये बहाना पुराना हो चुका है, अब अपने यार से बात करने का कोई नया बहाना बता दो। और चले जाएंगे हमेशा के लिए तुमसे दूर, कि चले जाएंगे हमेशा के लिए तुमसे दूर, अब अपनी बेवफाई का बस तुम कोई वजह बता दो। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये मैंने कुछ लिखा था कि जिस्म के घाव तो भर जाते हैं, कि जिस्म के घाव तो भर जाते हैं, क्या कोई ऐसा नहीं है जो रूह के घाव को भी भर पाए। कि जिस्म के घाव तो भर जाते हैं, क्या कोई ऐसा नहीं है जो रूह के घाव को भी भर पाए। और मोहब्बत में वादे तो सभी करते हैं, क्या कोई ऐसा नहीं है जो बिना किसी वादे के मोहब्बत निभाए। शुक्रिया। महंगे तोहफे तो सभी लाकर देते हैं, कि महंगे तोहफे तो सभी लाकर देते हैं, क्या कोई ऐसा नहीं है जो राशन की दुकान तक लेकर जाए। और मोहब्बत मोहब्बत कह के कपड़े तो सभी उतारने आ जाते हैं, कि मोहब्बत मोहब्बत कह के कपड़े तो सभी उतारने आ जाते हैं, कि कोई ऐसा नहीं है जो दुपट्टा उड़ाकर मंदिर लेकर जाए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और मैंने ये खुद के लिए लिखा था कि अच्छा सुनो ना, अच्छा सुनो ना, है नहीं जब तुम्हें खुद से मोहब्बत फिर दूसरों से ये कैसी उम्मीद लगाए बैठे हो। कि है नहीं जब तुम्हें खुद से मोहब्बत फिर दूसरों से ये कैसी उम्मीद लगाए बैठे हो, और था मालूम तुम्हें जब कि आशिक में दिल टूटता ज़रूर है। कि और था जब मालूम तुम्हें कि आशिक में दिल टूटता ज़रूर है, फिर तुम एक तरफा मोहब्बत करने की हिमाकत कैसे कर बैठे हो। और आखिर क्यों करते हो जानबूझकर ये बेवकूफ़िया, कि आखिर क्यों करते हो जानबूझकर ये बेवकूफ़िया, क्यों तुम बाज नहीं आते। और अगर है तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत, तो फिर ये बात उसे जाकर क्यों नहीं बताते। और तुम्हारे मनाने का अंदाज़ उसे बड़ा पसंद है, कि तुम्हारे मनाने का अंदाज़ उसे बड़ा पसंद है, तुम हर बार तुम ही जाकर उसे क्यों नहीं मना लेते। शुक्रिया। तो ये लिखा था, लड़का सोचता है लाइक जब बारिश का टाइम होता है, थोड़ा पैर पर मतलब फीलिंग होता है, तो लड़का उस टाइम सोचता है लड़की को, मतलब वो थॉट्स आए थे, वो लिखा था कि आज देखा मैंने उसे इन बारिश की बूंदों में, आज देखा मैंने उसे इन बारिश की बूंदों में, शर्म की चादर ओढ़ कर वो भीग रही थी, मेरे संग तुम भी आज भीग जाओ ना बानो, मुस्कुरा कर वो मुझसे कह रही थी। शुक्रिया। और मैं एक लास्ट बोलना चाहूँगी, ये था कि हो इजाज़त तुम्हारी तो तुम्हें गज़ल लिखकर मैं तुम्हें तुम्हारी गीत बन जाऊँ। कि हो इजाज़त तुम्हारी तो तुझे गज़ल लिखकर मैं तेरी गीत बन जाऊँ, ले लूँ तेरे हिस्से के दर्द सारे और तेरी होठों की मुस्कुराहट बन जाऊँ,
तुझे शराबी बनाकर, कि तुझे शराबी बनाकर मैं खुद शराब बन जाऊँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेरी आदत बन जाऊँ। अगर मोहब्बत करना गुनाह है, कि अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो तुझे अदालत बनाकर खुद गुनहगार बन जाऊँ। तेरी खामोशी को दे दूँ लफ सारे, कि तेरी खामोशी को दे दूँ लफ सारे और मैं तेरे अल्फाज बन जाऊँ। शुक्रिया।